उत्तराखंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर में गैंगस्टर अभियोग के तहत अभियुक्त गणों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु जनपद उधम सिंह नगर के सभी थानाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में थाना पुलभट्टा में अभियुक्त फाजिल खां पुत्र सादिक खां निवासी इंद्रनगर यूनिस की डेयरी के पीछे थाना पुलभट्टा जिला उद्यमी नगर व वसीम पुत्र इब्राहिम निवासी 4 बीघा सिरौली कला के विरुद्ध पंजीकृत FIR नंबर 14/2022 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की विवेचना के दौरान दोनों अभियुक्त गण के बारे में ये जानकारी प्राप्त करते हुए कि अभियुक्त फाजिल खां स्मैक का बहुत बड़ा तस्कर है तथा अभियुक्त वसीम गौ तस्कर है। फाजिल खां ने वसीम को अपनी तरफ मिलाकर अपना एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार कर लिया है। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्त गणों की संपत्ति को चिन्हित कर लगातार अलग अलग विभागों से रिपोर्ट प्राप्त कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर महोदय को जब्तीकरण की रिपोर्ट पेश की गई। फाजिल खां की पत्नी साजिया बेगम के नाम पर एक तिमजला मकान तथा फाजिल खां के भाई के नाम पर एक तिमजला मकान अधिग्रहित किया गया है। इसी अभियोग में अभियुक्त वसीम पुत्र इब्राहिम निवासी वार्ड नंबर 18 सिरौली कला 4 बीघा का एक मकान वार्ड नंबर 18 4 बीघा सिरौली कला तथा एक मकान 4 बीघा सिरौली कला कुल 2 मकान इसी अभियोग में जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर महोदय के आदेश से अधिग्रहित किए गए हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।